फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज है थर्सडे और अभी टाइम हो रहा है दिन के 11:30 और मैं अभी लंच बना रही हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर करूँगी जो है सरसों भिंडी बनाऊँगी सरसों के साथ। और अभी मैं बना रही हूँ चने की सब्ज़ी। दिन में आज लंच में बनेगा चने की सब्ज़ी, चावल और सरसों भिंडी। तो ये चने की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने एक साथ सब कुछ दे दिया है, मसाला, तेल, टमाटर, सारे मसाले सब कुछ। और चना मैंने सुबह यहाँ पर आलू के साथ बॉईल करके रख दिया था, तो यही मैं यहाँ पर डाल दूँगी, चने की सब्ज़ी बनाऊँगी। और यहाँ पे भिंडी की जो रेसिपी है उसके लिए सरसों 2 चम्मच मैंने भिगो के रख दिए थे अच्छे से वॉश करके। और वहाँ यहाँ पर 2 टमाटर बड़े बड़े साइज़ में कट करके, प्याज 2, अदरक 1 इंच का, और ग्रीन चिली, इन सब चीज़ों का एक पेस्ट बना लूँगी। और एक बात, जब आप सरसों पेस्ट करें ना, तब पेस्ट करने के टाइम उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा। ये डालने से क्या होता है, सरसों का जो कड़वापन होता है ना वो चला जाता है। और यहाँ पर भिंडी मैंने कट करके वॉश करके अच्छे से रख दिया है। अभी भिंडी को सरसों के तेल में फ्राई करूँगी। इसमें तेल थोड़ा ज़्यादा लगता है लेकिन मैंने कम ही डाला है तेल, क्योंकि ज़्यादा तेल से नहीं बनाऊँगी। और यहाँ भिंडी मैंने डाल दिया है और भिंडी को हल्का सा फ्राई करना है। इसमें नमक, हल्दी, मसाला कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ फ्राई करना है। और जब ये हल्का सा फ्राई हो जाए, मतलब इसका ब्राउन कलर हो जाए, तब इसे उठा लीजिए और उसी सेम कढ़ाई में फिर से तेल डालना है। सरसों का तेल ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि सरसों भिंडी है तो सरसों का तेल के साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अभी सेम कढ़ाई में मैं तेल डाल रही हूँ और वहाँ पे डालूँगी ज़ीरा और काली जीरा, जिसे हम कहते हैं काली जीरा, हाँ जीरा और काली जीरा, और 2 ग्रीन चिल्ली। इसे अच्छे से भून लेंगे थोड़ी टाइम और जो मसाला का पेस्ट बनाया था ना वो पेस्ट यहाँ पर डाल देंगे। और पेस्ट डालने के बाद जो मिक्सर ग्राइंडर में थोड़ा सा बचा हुआ रहता है उसमें थोड़ा सा पानी डालकर यहाँ कढ़ाई में डाल देंगे और इसको अच्छे से हमें कुक करना है। फिर इसमें कुछ मसाला जाएगा जैसे कि हल्दी थोड़ा सा, और 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर। और इसे अच्छे से पकाना है और ढक के हमें इसे पकाना है ताकि मसाले अच्छे से फ्राई हो जाए। तो 3-4 मिनट ढक के दिया था मैंने और 3-4 मिनट बाद ये मसाला अच्छे से कुक हो गया है। अब इसमें हम जो फ्राई किया हुआ भिंडी था वो डाल देंगे इसमें और अच्छे से मिला देंगे। इसको अच्छे से मिलाना है और मीडियम फ्लेम में बनाना है। अच्छे से मिलाने के बाद थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे इसमें। ग्रेवी थोड़ा ज़्यादा ही थिक हो गया है, पानी डाल के इसको फिर से ढक के देंगे 5 से 7 मिनट तक। हाँ, 5 से 7 मिनट तक ढक के देंगे और बन चुका है सरसों भिंडी, बहुत टेस्टी लगता है। तो ये है हमारा लंच। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। खाना वाना खाने के बाद ना मैं थोड़ा सा सो गई थी, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा सो गई थी, और अभी मैं आप लोगों के सामने आई हूँ फिर से कैमरे के सामने। और तो अब मैंने आज ये बनाया था, कस्टर्ड बनाया था, जो मैंने शेयर भी नहीं किया आप लोगों के साथ रेसिपी, तो वही अब खाने वाली हूँ। तो फ्रिज में रखा हुआ है कस्टर्ड, वही मैं निकाल रही हूँ। 1 मिनट आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, ये कस्टर्ड बनाया मैंने आज, तो यही अभी खाऊंगी। और एक स्किन केयर की रूटीन आज शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। मैं कई दिनों से कोई भी स्किन केयर नहीं कर रही हूँ, तो सोचा कि आज कुछ स्किन की केयर कर लिया जाए, तो वही शेयर करूंगी। और वहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं बेटा पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, और वहाँ कोई काम कर रहा है
बहुत टेस्टी बना था और मैं आप लोगों के साथ कस्टर्ड की रेसिपी जरूर शेयर करूंगी। हाँ, मैं रेसिपी जरूर शेयर करूंगी कस्टर्ड की, बहुत टेस्टी बना था और कस्टर्ड खाने के बाद थोड़ा एनर्जी मिल गया काम करने का। और आज खाना खाके मैंने बर्तन भी धुलाई नहीं किया, ये देखिए बर्तन पड़ा हुआ है यहाँ पे, सारा किचन का हालत भी खराब है, कुछ भी काम नहीं किया। तो अभी मैं बर्तन सारा धुलाई करूंगी। तो यहाँ पे करूँगी मैं अभी अपना स्किन केयर। और यहाँ पे ना कुछ वीडियो यहाँ पर मिस हो गया है, शूट किया था मैंने, पता नहीं कैसे सेव नहीं हुआ। तो मैंने यहाँ कटोरी में ले लिया था ओट्स के पाउडर और एक चम्मच, बेसन एक चम्मच और चंदन का पाउडर एक चम्मच, और इसे मैंने हनी के साथ मिक्स कर लिया है और थोड़ा सा पानी भी डाला है। इसका एक फाइन पेस्ट मैंने तैयार कर लिया है। वैसे ये वाला पेस्ट, ये वाला जो फेस पैक है ना, मैं हमेशा सुबह उठ के फेस वॉश से मुंह धुलाई नहीं करती हूँ, इसी से करती हूँ, लेकिन जो कि आज सुबह इससे नहीं किया था तो अभी मैं ये कर रही हूँ। और ये अभी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि फेस पैक कुछ स्किन केयर करने के बाद फिर किचन में जाना अच्छा नहीं लगता है, स्किन केयर करने के बाद फिर थोड़ा रेस्ट करने से ही अच्छा होता है स्किन के लिए। तो ये मैंने इसीलिए खाना बनाने से पहले नहीं किया था, तो अभी मैं लगा रही हूँ इस पैक को। फेस को मैंने वॉश करके फिर अच्छे से वॉश कर लिया था और ये पैक को यहाँ लगा रही हूँ। ओट्स का पाउडर, जो ओट्स होता है ना, उसको मैंने पाउडर करके मैं रख देती हूँ घर में, और उसके साथ चंदन पाउडर और बेसन एक साथ मिक्स करके रख देती हूँ। ये मेरा होममेड फेस वॉश आप बोल सकते हैं, और इसे ये स्क्रबिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। और अगर आपका स्किन अगर ड्राई है, ओट्स मॉइस्चराइज़र का बहुत अच्छा काम करता है। तो ये मैं बहुत दिनों से लगा रही हूँ, इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया। मेरे फेस पे छोटे छोटे दाग भी थे वो भी चले गए हैं अभी, मतलब तरह से नहीं गया लेकिन थोड़ा हल्का हो गया है जो दाग थे। तो अभी मैं इसको लगा दिया है, और जो बचा हुआ था ना उसको मैं हाथ पर लगा दिया था। तो हाथ को फेस पे लगाने के बाद 10 मिनट रखने के बाद फिर मैं वॉश कर रही हूँ हाथ को, और हाथ को वॉश करने के बाद रब करके स्किन को इस तरह से रब करते हुए फेस को वॉश कर लूँगी। और हाँ, ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रब नहीं करना है, यहाँ पे मैंने फर्स्ट फॉरवर्ड में रखा है इसलिए लग रहा है कि बहुत ज़ोर ज़ोर से मैं रब कर रही हूँ, लेकिन मैं बहुत धीरे धीरे से यहाँ रब कर रही हूँ और सारे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स सब कुछ निकल जाता है इससे। और बहुत ही माइल्ड है ओट्स का पाउडर, बहुत माइल्ड होता है स्किन के लिए। और ये देखिए मैंने वॉश कर लिया है और बहुत सॉफ्ट फीलिंग हो रहा है मुझे, पता नहीं कैमरे में कैसा दिख रहा है लेकिन मुझे बहुत सॉफ्ट और फ्रेश फीलिंग हो रहा है। और अभी मैं अप्लाई करूँगी और बायोटिक का हनी टोनर। ये कोई मैं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही हूँ, बस मैं ये यूज़ करती हूँ बहुत दिनों से मतलब एक दो महीने से यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा फील होता है। ये टोनर मैं यूज़ करती हूँ, बायोटिक का हनी टोनर। तो ये लगाने के बाद मुझे बहुत और ज़्यादा फ्रेश फील होता है, और ये इसमें भी लगाने के बाद एक मॉइस्चराइज़र जैसे फीलिंग होता है। और उसके बाद मैं यूज़ करती हूँ बायोटिक का मॉर्निंग नेक्टर स्किन मॉइस्चराइज़र, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, ये मैं एक महीने से यूज़ कर रही हूँ। ये भी ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा है, मेरा स्किन थोड़ा ड्राई है, मतलब इतना ड्राई नहीं है, नॉर्मल है लेकिन ऑयली नहीं है। तो ये मेरे स्किन के लिए, ड्राई स्किन के लिए और नॉर्मल स्किन के लिए बायोटिक का जो मॉर्निंग नेक्टर मॉइस्चराइज़र है ना, ये बहुत अच्छा होता है। तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ, और ये देखिए मेरा आईब्रोज़ का हालत बहुत ख़राब है, बहुत दिनों से थ्रेडिंग भी नहीं किया मैंने। तो ये मॉइस्चराइज़र लगा लिया, तो शाम का स्किन केयर रूटीन हो गया, बस इतना ही करती हूँ। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।